खीसी यानी बिल्ली खंबा नोचे। चाइना की परिस्थिति कुछ इस प्रकार हो चुकी है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना किस प्रकार भारत में घुसपैठ कर रहा है और किस प्रकार एक के बाद एक एरियाज को अपने कब्जे में कर रहा है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ये अहम हिस्सा अगर चाइना ने कब्जे में कर लिया तो भारत के लिए क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस वीडियो को शुरू कर सके। पिछले कुछ दिनों से भारतीय और चीनी सेना सीमा पर दंगल लड़ रहे हैं। खबर ये भी आई है कि दोनों ओर से खूब सारी लातें और घूंसे चली है। आप तो समझ ही गए होंगे कि असल में क्या हुआ होगा। अगर नहीं समझे तो अभी समझ जाओगे। स्टेट लेवल चैंपियन को हराया तूने? तेरा दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से हारा है तू। क्या यार समझते नहीं हो। अब आखिर इंडो चाइना बॉर्डर पर क्या हुआ ये विस्तार से समझ लेते हैं। पिछले 10 दिनों से चाइना ने गलवान घाटी के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है जिसमें लद्दाख क्षेत्र का भी एक बड़ा हिस्सा आता है। गलवान घाटी 1962 से भारत और चीन में एक विवाद का मुद्दा रहा है। भारत और चीन की सीमा जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सही मायने में है ही नहीं, क्योंकि इस पूरी लाइन पर चीन और भारत का समझौता ही नहीं हुआ है। जिस प्रकार क्लासरूम में बच्चे अपने अपने जगह के लिए झगड़ते हैं उस प्रकार ये दोनों देश सीमा पर झगड़ रहे हैं, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का दोनों देशों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भारतीय परिक्षेत्र में बहुत अंदर तक सेना को उपकरणों के साथ तैनात कर दिया है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि लगभग 5 से 10 हजार चीनी सैनिक भारतीय परिक्षेत्र में घुसकर बंकर बना रहे हैं और उस परिक्षेत्र को बहुत लंबे समय तक घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब में भारत ने अपनी सेना को 14,000 फीट ऊपर वाले क्षेत्र में तैनात कर दिया है। इसके पहले जब भी भारतीय और चीनी सेना आमने सामने होती थी तो लातों और घूसों से बात होती थी, लेकिन इस मामले में पहली बार सरियों और डंडों का इस्तेमाल हुआ है ऐसी खबर है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत और चीन में हुए समझौते के मुताबिक एक भी गोली नहीं चली है। भारत चीन के साथ लगभग 3,488 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। 1962 में भारत और चीन के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और बॉर्डर की यही अनिश्चितता उस युद्ध का कारण बनी थी। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और उनके दूत के तौर पर KM पणिकर को चीन भेजा गया था, लेकिन कई प्रयासों के बाद वो चीनी नेताओं के साथ बॉर्डर का यह मसला नहीं सुलझा पाए और दोनों देशों को एक बहुत बड़ा युद्ध झेलना पड़ा। और तब से चीन भारत के कई हिस्सों पर क्लेम करता आ रहा है। सिक्किम की सीमा अगर छोड़ दी जाए तो पूरी की पूरी बॉर्डर यह विवादित मुद्दा है। चीन का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि इंडो चाइना बॉर्डर पे जो कंफ्यूजन है उसका फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का इस तरह के सब भारतीय क्षेत्र में आना अब ये आम हो चुका है। बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनके मुताबिक चीनी आर्मी अक्सर इंडिया में आती रहती है, आते हैं, घूमते हैं और शेयर करते हुए वापस भी चले जाते हैं। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। सच कहे तो लगभग 80 के दशक से दामचुक कोयुल सेक्टर जो है और उसमें जो कागजंग क्षेत्र है उस पर चीन लगातार कब्जा करता आ रहा है और अब तक एक बड़ा क्षेत्र चीन के कब्जे में जा चुका है। साल 2000 के आते आते चीन ने इसी प्रकार चिपचाप क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। ये क्षेत्र लद्दाख में आता है और चीन के तिब्बत और उइगुर प्रांतों को पूरे लद्दाख से जोड़ता है। सर्दियों में इस क्षेत्र की सारी नदियां जैसे कि शोक, गलवान और चांगचेनमो जैसी नदियां जम जाती है और लगभग मार्च तक ये पूरा हिस्सा इनहॉस्पिटेबल होता है। इस पूरे क्षेत्र में आर्मी की आवाजाही थम जाती है और लगभग मार्च तक आर्मी इस पूरे क्षेत्र की पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। चीन के नेता जब भारत में आते हैं तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और मीडिया उनको भाव देने में लगे होते हैं और उसी समय चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी किसी नए हिस्से पर कब्जा करने में जुटी होती है। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारा दोस्त, हमारा बच्चा, हमारा पाकिस्तान, उसने POK का एक हिस्सा चीन को दे दिया है और इस पूरे के पूरे हिस्से में चीन ने भारी पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। चीन की इन हरकतों से यह लग रहा है कि पूरी की पूरी गलवान घाटी और लद्दाख के एक हिस्से पर वो कब्जा करना चाहते हैं और इसीलिए बंकर बनाना, सैनिकों को तैनात करना, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। और ये सब करते हुए भारत के लिए एक बड़ा मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा वो बनाना चाहते हैं। चीन अगर इस पूरे हिस्से पर कब्जा कर लेता है
तो काराकोरम दर्रे के पास जो नॉर्थ सब सेक्टर है, जो अक्साई चीन का क्षेत्र है, और वहां पे जो भारतीय सेना तैनात है, उन लोगों तक खाना पहुंचाना, उन लोगों तक सामान पहुंचाना, और भारतीय सेना की पूरी मोबिलिटी खतरे में आ सकती है। तो दोस्तों, भारत और चीन के बॉर्डर पर एग्जैक्टली क्या हुआ, इसकी पार्श्वभूमि क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आप सबका दोस्त स्वप्निल पुरानी और आप देख रहे थे स्वप्न स्टडीज।